हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लर्क कर्नल में सब दोस्तों को आज प्रस्पेक्टस के हवाले से वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको आज प्रस्पेक्टस 2024 का के बारे में बताऊंगा कि कुछ स्मॉल चीज़ें हैं जो करके आप उसको आप पी से तैयार करके रख लें, किसी भी वक्त डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है, ठीक है। तो इसलिए इतनी चेंजेस नहीं है, मुख्तार सी वीडियो है, आपने सिर्फ थोड़ा सा समझना है, ठीक है। जिस बंदे ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनको बता दूँ कि ये चैनल पर मौजूद है, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। प्रस्पेक्टस ये सामने आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा 23-24 की, ये पिछले सर हमने प्रस्पेक्टस के हवाले से वीडियो बनाई थी कि आप पूरी वॉच कर सकते हैं इसको, आपने किस तरह बनानी है। इसमें पूरी फाइल मैंने यहाँ पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिंक दिया था यहाँ पर गूगल ड्राइव पर लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तमाम फाइल्स। अभी जो जस्ट मैंने समझाना है आपको ना, इसमें ये करना है कि आपने सबसे पहले HEP पोर्टल पे चले जाना है। HEP पोर्टल पे आप जब अपने पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ से आपने क्या करना है कि वी प्रोग्राम डाउनलोड करने हैं, पुराने प्रोग्राम आपने डाउनलोड कर लेने हैं, बस सिंपल। उनको डाउनलोड करने के बाद एक होता है आई लव PDF, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप आकर उन प्रोग्राम को जो PDF फाइल है उसको MS Word में तब्दील कर लेने हैं, सिंपल। जब MS Word में तब्दील कर लेंगे तो आपके पास ऐसी फाइल आ जाएगी MS Word की, ये सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये वाली फाइल इस तरह आप PDF फाइल होगी और इसको MS Word में तब्दील करेंगे तो ये आपके पास MS Word में इस तरह की फाइल बन जाएगी। आपने क्या करना है कि सिंपल अभी आपने जो प्रोग्राम चेंज करने हैं, क्योंकि अभी आप HEP पे DPI की तरफ से या ऐसे कोई प्रस्पेक्टस का ओपन नहीं है, लेकिन आपके पहले अगर आपने तैयारी करनी है तो इसके लिए आप इसको PDF में MS Word में कन्वर्ट कर लें। PDF फाइल को कन्वर्ट करने के बाद अगर आप कोई प्रोग्राम अमेंडमेंट करने हैं, कोई प्रोग्राम नए डालने हैं, ठीक है, पुराने हैं तो वो सेम एज इट इज रहने दें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे जाके ना इसको एक्टिव कर सकते हैं, येस या नो कर सकते हैं। पुराने प्रोग्राम रहने दें, क्या पता बाद में फिर आप कुछ अर्से बाद उसको अपलोड करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोग्राम आपने यहाँ पर नया प्रोग्राम जो है मिसाल के तौर पर अगर ऐड किया तो इस तरह येलो हाईलाइट कर दें, ठीक है, इस साल का, या आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा इसकी। फिर आपने PDF फाइल बना लेनी है इसी से, ठीक है, सब्जेक्ट लिस्ट की आपने PDF फाइल बना लेनी है। फिर बताता हूँ आपको क्या आपने अपनी मेन प्रोस्पेक्टस जो PDF की बनी होती है फाइल उसको आपने किस तरह मैनेज करना है। इस तरह आपकी PDF पुरानी फाइल होगी, ठीक है, पिछले साल की PDF फाइल बनी होगी, ये भी तो मैंने अपडेट कर दिया है, 2024-2023 लिखा होगा उसका आपने पुरानी प्रोस्पेक्टस पर। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाली फाइल मैंने आपको वीडियो में दी थी, आप जब डाउनलोड करेंगे उसमें ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाली फाइल थी, ठीक है, ये वाली। इसमें आपने सिंपल क्या करना था, यहाँ पे 2024 कर देना था, 23/2024 कर देना, इसकी PDF फाइल बना लेनी थी। PDF फाइल बना के आपने यहाँ पे रख लेनी है। फिर उसके बाद इस तरह सब्जेक्ट लिस्ट है, ठीक है, स्टाफ लिस्ट आप अपडेट करके उसकी PDF बना लेनी है। फिर उसके बाद फीस डिटेल है, फीस डिटेल आप मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, तो वो आपने चेंजिंग करके आप उसमें क्या कहते हैं PDF फाइल बना ली। इसका बताता हूँ कि आपने किस तरह इसको मैनेज करना है फीस को, ये भी क्योंकि प्रोस्पेक्टस पे कई कल मैनेज करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस और बोर्ड की फ़ीस अपडेट होती रहती है हर साल, इसके थोड़ा सा इजाफा होता है, तो इसलिए ट्रेनिंग भी मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आपके जो फिक्स अलाउंसेज हैं वो तो आपके हैं PDF सॉरी प्राइवेट फंड्स के, वो तो आपने करने ही करने हैं, तो वो आप मैंशन कर दें वहाँ पर जो आपको DPI की तरफ से आपको लिस्ट मिली थी कि आपने इतने फंड इतनी अमाउंट में कलेक्ट करने हैं, ठीक है। इस स्क्रीन पे ओपन हो रही है, मैं बताता हूँ। और इसी तरह एडमिशन फॉर्म्स है वो अपडेट कर लें आप। हेल्थ परफार्मे का आपने याद रखना है कि हेल्थ परफार्मा आपने लाजमी करना है, लेना होता है हर साल ये बच्चों के लिए। और ये मैंने लिंक प्रस्पेक्टस गूगल ड्राइव, ये मैं आपको बताता हूँ बाद में, ये प्रस्पेक्टस और ये पावर पॉइंट और ये फाइल ओपन हो रही है एक्सेल में, तो टाइम ले रही है, ठीक है। ये अभी देख सकते हैं ओपन हो गई, ठीक है। इस पर आप जब सिंपल ये करना है कि 2024-25 कर देना है फीस का, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस जो बोर्ड की है वो आप यहाँ पे कर देना है। चेंज एवरी ईयर होती है, तब्दील होती है हर साल का, कॉलेज में कुछ डिफरेंट अलाउंस डिफरेंट कॉलेज के फंड चल रहे होते हैं, उनका आपको उस हवाले से ही मैनेज करना होता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दी है प्रीवियस बोर्ड की जो फीस थी 2300 पिंडी बोर्ड की थी और 8400 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली थी ये इसकी क्या कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, ठीक है।
ये टोटल फीस, फिर इतनी फीस बन जाती थी पिछले साल की, ये हर साल चेंज होती है, इसलिए मैंने कर दिया गया था कि तो आईडिया हो जाए जो बच्चों को फीस जमा कराने का मसला होता है, कितनी बनती है, कितनी बनती है फीस, वो फिर ये प्रोस्पेक्टस औकाश वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी औकाश में, आप किस तरह प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं शायद, या वो भी सही, ठीक है। प्रोस्पेक्टस सर्च प्रोस्पेक्टस जो है ना वीडियो के हवाले से मैंने बनाई थी ना, तो उसमें आप उसको फाइंड कर सकते हैं सर्च प्रोस्पेक्टस के, वो मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो इसको पीडीएफ बना लिया आपने, तो यहाँ पे आप क्या करना है कि आप जितनी पीडीएफ फाइल बना, एम एस सॉफ्ट कॉपी थी आपने पीडीएफ फाइल बना लिया, आपने क्या करना है फिर वो फाइल ओपन करनी है सबका, ठीक है। इसको डिलीट कर देना है, मिसाल ये पेज है 23 का है, इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे टाइटल पेज है, यहाँ पीडीएफ का बना हुआ है, आपने यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ले आना है, इसी तरह ये तमाम तकरीबन आपने मुकम्मल कर लेने हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ये डबल हो गया, एक डिलीट कर दे, 23 वाला डिलीट कर देना है, 24 वाला पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी अपडेटेड है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह तकरीबन तमाम जो है ये देख सकते हैं, ये मैंने ऐड की हुई, अपडेट की हुई, ऑलरेडी लिस्ट है, परफॉर्मा है वो भी अपडेट की हुआ है, बाकी फीस लिस्ट है वो भी अपडेट की हुई, यहाँ पर सब मैंने इसको यहाँ पर उठा उठा के कर दिया, ठीक है। इस तरह आपकी पीडीएफ फाइल जब बन जाएगी प्रोस्पेक्टस की, आपने क्या करना है इसको एक कंप्रेस्ड फाइल भी बना के रख लेना है, ये देख सकते हैं कंप्रेस्ड फाइल मैंने किस तरह बनाई है। इसी पीडीएफ फाइल को मैंने क्या किया है, यहाँ पे आई लेफ्ट पीडीएफ में यहाँ पे कंप्रेस्ड फाइल, ये देख सकते हैं कंप्रेस्ड फाइल मैंने इसको ओपन किया है, मैंने मेरे पास जो अपनी फाइल थी मैंने इसको अपलोड करके यहाँ पे ड्रा किया, इसको मैंने कंप्रेस्ड फाइल बना लिया, ठीक है। इस तरह कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस्ड फाइल बन जाएगी, ये भी आप अपने पास बना के रख लें, ये थोड़ा सा साइज भी कम होती है, कभी डिपार्टमेंट मांगता है या कंप्रेस फाइल को बना कर दें, ये बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, ये फाइल जो अब मैंने किया गूगल ड्राइव भी बना लिया था कि अगर किसी टाइम भी अगर वो क्या कहते हैं मांगते हैं तो हम उनको दे सकते हैं, ये गूगल ड्राइव बना के मैंने जो जी मेल के ड्राफ्ट में उनको उसमें रख लिया कंप्रेस फाइल, और ये गूगल ड्राइव का लिंक भी रख लिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह बना के रख लें ताकि किसी भी वक्त अगर कोई ये प्रोस्पेक्टस की वाली चीज़ मांगे तो आपके पास कंप्लीट फाइल बनी हुई आपके पास हो, ठीक है। ये आप मेरे प्रोस्पेक्टस ये देख सकते हैं, ये मैं अपनी ड्राइव में, ये पिछले साल की फाइल थी, ये अभी इस साल की मैंने अपडेट कर दी है, यहाँ पे यही फाइल है 1.3 है, इसी मैंने इसको क्या किया मैनेज किया है इस हवाले से, 1.2 थी 1.3 अभी इस साल की प्रोस्पेक्टस 24-25 का मैंने डाल दिया था, ये 24-25 का, फिर इसको मैंने उधर अपलोड और इसका लिंक भी जो मैंने किया है ना यहाँ पर दे दिया गूगल ड्राइव का लिंक, ये लिंक प्रोस्पेक्टस यहाँ इसी फोल्डर में आप इसका लिंक भी दे दें, अब आपके पास ज़्यादा नहीं भी रहा, ठीक है। ये प्रीवियस प्रोस्पेक्टस का भी लिंक है जो फर्स्ट टाइम मैंने प्रोस्पेक्टस बनाई थी, ये शेयरिंग वाली है, ठीक है। गूगल ड्राइव मैंने शेयर कर दी है और यहाँ पे अलग पीडीएफ का मैंने दे दिया फॉर्मेट, यहाँ पे आप गूगल ड्राइव से गूगल से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, आई लव पीडीएफ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल सी वीडियो है, मैं मुख्तार सी वीडियो इसलिए बनाई ताकि आप इसको हवाले से आप उसको प्रोस्पेक्टस को अपडेट कर लें, और ये नसी होता है आपके जो इंटर डिग्री कॉलेज के जो आपके एक्सटेंशन होती है एप्लीकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी होती है, यहाँ के कॉलेज प्रोग्राम में अपलोड करनी होती है, किसी ऐप प्रोग्राम के आप ऐड कोर्स कर दें, ठीक है। ऐड कोर्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे किसी एक पे क्लिक कर दें क्योंकि आपके वही होंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जब क्लिक करेंगे तो आप उनकी अपनी डिटेल मेंशन कर दें, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं इमेज फाइल में आप अपलोड कर दें, ठीक है। इस तरीके से NOC कर दें DPI का, और आपका जो सेंशन होता है कि आपने इंटर की ये आप इस तरह क्लास ले सकते हैं, इस साल से आपकी ये लागू है, वो इस तरह नोटिफिकेशन होगा, इस तरह यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल का नोटिफिकेशन है। तो ये मुख्तसर सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको जदानी के तौर पर बता दूँ, आप अपना पहले ही काम एडवांस के तौर पर तैयार करके लगे रख लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने मुझे इसका फीडबैक लाजमी देना है काइंडली, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या वीडियो वॉच भी करते हैं और आपको पसंद भी आती हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।